दोस्तों पब्लिक सेक्टर की बैंक बैंक ऑफ इंडिया भी अपना शेयर जारी करने जा रहा है और इस बात की जानकारी बैंक ने बीएसई फाइलिंग में दी है। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि वो नए इक्विटी शेयर जारी करके 2,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। दोस्तों बैंक ने कदम इसलिए उठाया है ताकि वो 25% की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों का पालन कर सके। दोस्तों ऐसा करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये सेबी का एक नया रूल है और फिलहाल बैंक के 81.41% शेयर भारत सरकार के पास है। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि बैंक ऑफ इंडिया ने 2,500 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करने के फैसले पर बोर्ड ने सहमति दे दी है। बैंक ने अपने फाइलिंग में बताया कि 2,500 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म यानी कि QIP और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO या प्रेफरेंशियल इशू के तौर पर जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों बैंक की मौजूदा पब्लिक शेयर होल्डिंग 18.59% है जो नए शेयर जारी करने के बाद 25% हो जाएगी। आपको बता दें कि सेबी के पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम के तहत लिस्टेड कंपनी में गैर प्रमोटर पब्लिक शेयर होल्डिंग की हिस्सेदारी कम से कम 25% होना जरूरी है। हालांकि दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपने बैंक ऑफ इंडिया का शेयर कितने के प्राइस पर ले रखा है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।